Hello children, how are you all? You are all fine? Even I am fine. हमारी exams नजदीक आ रही है. हमने group में notices भी दिए हैं कि हमारे August first week में papers start हो जाएंगे. So, हमको practice करनी है और हमको daily की daily study भी करनी है हमारे exams के लिए. तो आज पहले एक हम look देते हैं हमारे पहले के portion पे. हमने KG2 में English में add किया बैट बैट रैट रैट सैट सैट वर्ड्स की. देन एन किया कैन कैन फॉर एन फैन रैन रैन. फिर ऐप किया क ऐप कैप ट ऐप टैप. ओके देन एड किया द एड डैड स एड सैड. देन एड किया ब एग बैग है ना ट एग टैग. देन हमने लास्ट क्लास में हमने किया था एट 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 क लगाओ केट म लगाओ मेट. फिर ए क एक यानी एट और एक वर्ड किया था. ओके तो आज है हमारा डिक्टेशन. पहला डिक्टेशन है मिक्स डिक्टेशन और एट और एक वर्ड का डिक्टेशन है. सो लेट्स गो फॉर आवर डिक्टेशन. चिल्ड्रन हमारा लास्ट वीक का होमवर्क था ड्राइंग्स ऑफ एट वर्ड्स. ग एट गेट केक लेक ये सब हमारे ड्राइंग वर्ड्स थे. साथ ही साथ इस पेज पे आइए. ये था हमारा फाइव टाइम्स होमवर्क. आई होप सभी ने किया है. जिन्होंने नहीं किया है प्लीज डोंट मेक होमवर्क लेट. ओके सो हियर आर डिक्टेशन स्टार्ट. सो लेट स्टार्ट विद द डिक्टेशन. आर फर्स्ट वर्ड ऑफ डिक्टेशन इज ग एट गेट. ग एट गेट बच्चों को ये एट सिखा दीजिए आप. और ग लगाया गेट. केक 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 एक केक. Then third is lake, 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 lake. Then अब हम revision लेंगे सारे words का. Fourth dictation word is fat, then हमारा f at fat. देन फिफ्थ वर्ड है पहले फोर्थ वाला फ एट फैट. क एन कैन क एन कैन क एन कैन. देन सिक्स्थ वर्ड है ट एग टैग ट एग टैग ट एग एग टैग ट एग टैग. लिखा सबने ट एप टैप ट एप टैप ट एप टैप. स एड सैड स एड सैड स एड सैड. आज के डिक्टेशन के वर्ड्स. पेरेंट्स प्लीज अगर बच्चे कोई वर्ड रॉन्ग लिखते हैं तो उनको फाइव टाइम्स लिखा के करेक्ट करवाइए. लेकिन बच्चों को अपनी गलती महसूस होनी चाहिए इसीलिए अगर वो रॉन्ग भी लिखते हैं तो लिखने दीजिए. लिखने के बाद उनको बताइए कि ये आपने रॉन्ग लिखा था. ओके ये डिक्टेशन बहुत असरदार चीज है अगर आप इसको सही ढंग से कराते हैं. अगर डिक्टेशन में आप ही बोलते हैं नहीं नहीं यहाँ टी लिख यहाँ यहाँ ट लिख यहाँ ए लिख यहाँ ग लिख ऐसा नहीं. आपको सिर्फ डिक्टेट करना है ट ए ग टैग ट एग टैग इस ढंग से और बच्चों को लिखना है. ओके आई होप एवरीवन इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स आल्सो.
सैटरडे संडे के दिन हिंदी और इंग्लिश का रिटर्न प्रैक्टिस और रीडिंग कंपल्सरी लीजिएगा. ओके, हियर वी गो फॉर आर नेक्स्ट. सी, इंग्लिश में सबसे पहले अगर कोई भी बच्चा अगर उसको इंग्लिश सीखना है तो सबसे पहले उसको अपना स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे वर्ड्स. किस चीज के वर्ड्स? इंग्लिश में है, ए, इट, अ एंड अ, इससे बने हुए जो शब्द बनते हैं वो उनको अच्छे से आने चाहिए. अगर वो अच्छे से आ गए तो उनको छोटी छोटी रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी. जैसे कि हमने ए के वर्ड्स हमने सारे पढ़ लिए हैं. अभी मैंने लास्ट क्लास में बताया था एड, एग, है ना, एंड, एड, ऐसे बहुत सारे हमने वर्ड्स पढ़ लिए थे. तो जैसे ये ए से वर्ड्स बने हैं सेम उसी ढंग से ए से वर्ड बनेंगे. जैसे एड, एग, है ना, एट. तो अब बारी है इन शब्दों को सीखने की. लेकिन ऐसा ना हो कि अगर हम इनको सीख रहे हैं तो ये शब्द हम भूल रहे हैं. इसीलिए जरूरी है जब भी हम बच्चों को ये शब्द कराने बैठे सबसे पहले लें इन शब्दों का रिवीजन. ए के शब्दों का रिवीजन लेने के बाद ही हमको एट पे जाना है, एक पे जाना है. ओके, तो अब हमारी बारी है एक शब्दों की. सो लेट स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं. लेकिन मैं बार बार यही कह रही हूं आपसे कि हमने अगर एश एक वर्ड्स पे आ रहे हैं तो ए वर्ड को नहीं भूलना है. हर सैटरडे सबसे पहले डिक्टेशन ए फैमिली वर्ड्स के लेना है, उसके बाद में ही एक पे जाना है. सो लेट्स स्टार्ट. एक ड से बच्चों, एक ड से क्या बनेगा जिसपे आप रोज रात में सोते हो, क्या है वो? ब, ड, बेड. किस पे सोते हैं आप? बेड पे. बेड ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक रेक्टेंगल. ओके, बनाया रेक्टेंगल. रेक्टेंगल से ठीक आगे इक्वल लेंथ के, क्योंकि ये सेम होने चाहिए, पलंग नहीं तो गिर जाएंगे आप. ओके, और फिर यहाँ पे छोटा सा पिलो और ये पलंग के ऊपर का स्टाइल. ओके, देन ये पिलो, पिलो के बाद में चद्दर भी होता है ना, ये क्या बन गया है? ब, ए, ड, बेड. ब, ए, बेड. ब, ए, बेड. आप इसको दो तरह से बोल सकते हैं, ब, ए, ड, बेड बोल सकते हैं. इन दोनों को मिलाकर भी बोल सकते हैं ब, ए, बेड. ओके, देन द नेक्स्ट वर्ड इज र, ए, ड, रेड. रेड कलर सभी का फेवरेट है. कोई भी पूजा हो, कोई भी फंक्शन हो, उसमें रेड कलर की चीजें हमको जरूर दिखती है ना. सो एक हम सर्कल ऐसा बना लेते हैं और उस सर्कल में क्रेयॉन से आपको क्या करना है? विच कलर यू हैव टू फिल इन इट, कौन से कलर से सर्कल को फिल करना है? रेड कलर से. सो दिस वॉज आर रेड. देन ये तो हमारे हो गए एड वर्ड्स, है ना. एड के बाद में अब कौन सा वर्ड लेंगे हम? एग, एग वर्ड. एग, एग वर्ड. एग वर्ड भी हमको सीखना है. हम सभी के पास है एग वर्ड का जो पिक्चर है वो सभी के पास है. विच वर्ड इज दैट? आपने ईवीएस में इसकी स्पेलिंग भी सीखी है, सीखी है ना. विच, सोचिए. क्या है ये? ल, एग, लेग. ल, एग, लेग. बना है कि नहीं ये पिक्चर? अब हमारा नेक्स्ट पिक्चर होगा एग वर्ड से विच एक सिंपल ऑयल. एक और ग लगाया, क्या बन गया? ए, ग, ए. सब में हम पहले वर्ड लगाते हैं और बाद में, लेकिन ये एक वर्ड ऐसा है
कि उसमें पहले एड आता है और फिर लास्ट में एक अल्फाबेट आता है, एक ग एक। एक कैसे होता है, एक होता है ओवल शेप का, और अगर उसको फोड़ते हैं तो कैसे दिखता है, क्रैक ऐसे दिखता है। गौर से देखो ये दोनों वर्ड्स, जूम पे ये दोनों वर्ड्स देखिए, देखिए है ना। अब है नेक्स्ट वर्ड है प ए ग पिग। पिग नहीं, डोंट गेट कंफ्यूज, प ए ग पिग। हम सभी के घरों में एक पिग होता है, हर जगह जो खूटी बोलते हैं ना, जिसपे पापा मम्मी हम अपने कपड़े टांगते हैं, उसको क्या कहते हैं, प ए ग पिग। पिक्चर बहुत सिंपल है, एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में एक स्लीपिंग लाइन और ये ऐसे हुक होता है ना, इसी में तो हम कपड़े टांगते हैं, टांगते हैं ना, ये हुआ प ए ग पिग। अब बारी है आप लोगों की और आप लोगों के चॉइस की, वो है खाना। खाना कितना सबको अच्छा लगता है ना, और स्कूल में मैम ने खाने के मैनर्स भी बताए हैं। F A D fed, fed के लिए आप लोगों की फोटो उतार देती हूँ, है ना, आप लोगों की फोटो उतार देती हूँ। ये हो गई आप लोगों की फोटो, ये आप लोगों के थोड़े थोड़े से बाल है, ये आपके बाल हो गए। एंड देन ये आपने पहना, खाना खाते समय पहनते हैं ना एप्रॉन, एप्रॉन या नैपकिन पहनते हैं ना हम लोग, तो पहले सिंपल हाफ सर्कल, हाफ सर्कल को जॉइंट करके दो स्टैंडिंग लाइन एंड देन हाफ कर्व। ओके, तो ये नैपकिन पहना और ये नैपकिन से ये आपकी टेबल, डाइनिंग टेबल की स्लिपिंग लाइन, और स्लैंटिंग लाइन कैसे, बाहर की तरफ। स्लैंटिंग लाइन कैसे, ये स्लैंटिंग लाइन बाहर की तरफ और ये सीधी। ओके, ये बहुत ज्यादा बाहर हो गई है ना, इसको थोड़ी सी अंदर कर लेती हूँ। ओके, ये हो गई आपकी। अब इस पे ग्लास बनाओ डाइनिंग टेबल पे, क्योंकि खाना खाते हैं तो। ये पिक्चर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी है ना। अब ये आपकी प्लेट, प्लेट में चपाती है ना, और ये आपकी सब्जी है ना, और फिर रख दो साथ में स्पून, हल्का सा हो गया। फॉर ए द फेड, फेड यानी जब हम खाना खा लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फेड है ना, और खाना खाने के लिए पहले क्या बोलते हैं, फीड, लेकिन जब खाना खाना हो जाता है तब फेड। फेड के लिए सबसे पहले एक सिंपल सर्कल, सर्कल में स्माइल बनाना हम सबको आता है, बाल बना दो अपने, बाल के बाद में एक सिंपल हाफ सर्कल, वो हाफ सर्कल से दो स्टैंडिंग लाइन और फिर हाफ कर्व, फिर एक रेक्टेंगल बनाना है, रेक्टेंगल में एक ग्लास थाली और चम्मच बनाना है। फॉर ए द फेड है ना, हमने एक से तीन वर्ड सीखे, कौन से थे वो, व ए द बेड, र ए द रेड, फ ए द फेड है ना। बेड रेड ऐसा क्यों किया, एप्पल रेड रेड, बेड रेड फेड, बेड रेड फेड। ओके, देन एक ग में क्या है, यहां पे खाने की बात की तो चलो खा ही लेते हैं, एक ग एक प एक ग पे प एक ग पे। अच्छे से देखिए वर्ड्स, इसके बाद का कौन सा वर्ड है जल्दी बताइए, हम सभी के पास है ल ए ग ले। ओके, एक एक पेग, पेग यानी हुक, पेग
एंड प्लेग. तो ये थ्री वर्ड्स इनके हमको पिक्चर्स और वर्ड्स लर्न करने हैं. इनके भी पिक्चर्स और वर्ड्स लर्न करने हैं. एंड देन कोई भी रफ कॉपी रहो, उस रफ कॉपी में ये पिक्चर्स कॉपी रजिस्टर में तो करने ही है, साथ में रफ कॉपी में जब भी समय मिले इनकी ड्राइंग बनाना है और इनके नेम्स लिखना है. और आज का एक्शन कैसे है ये देखिए. बेट रेड क्या है, बेट रेड फेल, बेट रेड फेल. देन एग पेक लेग, एग पेक लेग. ओके, तो ये हमारे पिक्चर्स हैं. और हमारा नाउ हियर वी कम्स फॉर होमवर्क. हमारा होमवर्क क्या है चलो देखते हैं रजिस्टर में. आज हमने लिया था डिक्टेशन, है ना, मिक्स डिक्टेशन लिया था हमने एट से लेके एट और एक तक के. नाउ कम हियर, कम ऑन द पेज ऑफ दिस साइड. हमने पढ़ा है ए ड एड, ऐसे लाइन खींच लीजिएगा आप. ए ड एड, एड पढ़ा है तो बेड का यहाँ पिक्चर बच्चों को और बेड की यहाँ स्पेलिंग. यहाँ पे ये सर्कल में रेड कलर करना है. क्या करना है, रेड कलर. आपको भी सर्कल बनाना है और दोनों सर्कल्स में रेड कलर करना है और स्पेलिंग लिखना है. और फिर ल ए ग लेग, ठीक है. इन्हीं शब्दों का है, तीन पिक्चर यहाँ है, उन पिक्चर्स को भी यहाँ पर हमको ड्रॉ करना है. इस पेज पे कुछ करना है, देखिए इस पेज पे कुछ करना है नो. ये हम अगले हफ्ते लेंगे, हमारे अगली क्लास में लेंगे डिक्टेशन वर्ड्स. लेकिन ऑफकोर्स ये जो बेड के साइड में जो पिक्चर है, देखिए बेड है ना, यहाँ बेड के साइड में जो ये वर्ड्स हैं एड वर्ड्स और एग वर्ड्स, इनको जरूर हमको एज अ होमवर्क लिखना है. पेरेंट्स प्लीज ये ध्यान से सुने कि सिर्फ इसमें होमवर्क करने से और एक एक बार ड्राइंग करने से बच्चों को स्पेलिंग और पिक्चर्स लर्न नहीं होते हैं. तो आपको इनके साथ साथ एक रफ कॉपी में सैटरडे संडे के दिन सारे पिक्चर्स एक बार फिर से बिना देखे ड्रॉ करके, बिना देखे स्पेलिंग लिखे, बच्चे लिखे, ऐसा उनको हमको रेडी करना है. सो टुडेज होमवर्क इज रजिस्टर में एड फैमिली वर्ड्स के पिक्चर और एग फैमिली वर्ड्स के पिक्चर ड्रॉ करना है और उनकी हमको स्पेलिंग्स भी लिखनी है. ओके, देन वी गो फॉर आर नेक्स्ट क्लास. हियर वी कम फॉर आर रीडिंग. फोनिक बुक बी निकालिए. हमारा ए साउंड कंप्लीट हो चुका है. ये होमवर्क था, ये होमवर्क भी सबने कर लिया होगा. देन ये रीडिंग भी बोला था, सारी रीडिंग बच्चों ने की होगी. अब बारी है रीडिंग की. रीडिंग क्या, जब जब इंग्लिश का पीरियड और सैटरडे संडे के दिन हमको ये टेक्स्ट बुक की रीडिंग करनी है. हमारा चैप्टर था वॉवेल साउंड ए, ए. क्या था, वॉवेल साउंड ए, जिसके सारे वर्ड्स म एट अ मैट, फ एट अ फैट, र एट अ रैट, स एट अ सैट, ब एट अ बैट, क एट अ कैप, ब एग अ बैग, र एग अ रैट, ट एट अ टैप, क एट अ कैप. ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हमने सीख चुके हैं, ठीक है. अब इनकी डेली हमको रीडिंग करनी है और उसके बाद में हम रीडिंग लेंगे इनकी. आइए तो हम चलते हैं रीडिंग की तरफ. हियर वी गो. अ क एट, कैट. इ स इस, ऑन ऑन. अ म एट मैट, अ कैट इज ऑन अ मैट. बच्चों नाउ नेक्स्ट इज इ ट इट. इ स इज, इट इज. अ फ एट फैट, क एट कैट, इट इज अ फैट कैट. नाउ अ ब एग बैग, इ स इज ऑन ऑन. ट ह ए द, ट ए ब ल ए टेबल, अ बैग इज ऑन द टेबल. अ प ए र र ऑट, प
parrot, parrot. Parrot. A parrot is on the tree. T-R-A-A. Kya ho gaya? Tree. The parrot is on the tree. Then yahan par a b-at, bat. A k-at, cat. A f-an, fan. A m-at, mat. A b-at, bag. जब स्कूल रहती है तो हम बच्चों की इंग्लिश पीरियड में हर अल्टरनेट डे एक दिन छोड़ करके एक दिन ऐसे बच्चों की क्लास में चैप्टर की रीडिंग लेते हैं। अभी स्कूल नहीं है तो मेरी मदर्स और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि ये रीडिंग जैसे मैंने ली है वैसे बच्चों की रीडिंग हर अल्टरनेट डे लीजिए, जिससे कि क्या होगा उनके अक्षरों में बहुत जल्दी वो पहचानेंगे और रीडिंग फास्ट होने से वो आसपास की भी जो चीजें रहेंगी, जो न्यूज़पेपर मैगजीन वगैरह रहेगी, उसको वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आई रिक्वेस्ट द पेरेंट्स कि आप डेली ये रीडिंग इनकी लेनी ही है। जैसे ए साउंड कंप्लीट हो गया है तो इसका रीडिंग जब भी इंग्लिश की हम क्लास रहेगी, इंग्लिश का हम शुरू करेंगे, उसके पहले रीडिंग लेना है, रीडिंग के बाद में ही हमको हमारी जो क्लास है उसकी पढ़ाई करनी है। ओके, सो हियर इज योर होमवर्क स्लाइड। Ed, b, e, d, bed, b, ed, bed, f, e, d, fed, f, ed, fed, l, e, d, led, l, ed, led. R, E, D, red. R, E, D, red. E, G, egg. B, E, G, bag. B, egg, bag. E, G, egg. B, E, G, bag. B, egg, bag. K, e, g, keg. K, egg, keg. L, e, g, leg. L, egg, leg. P, e, g, peg. P, egg, peg.